हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल में देख सकते हैं यहां पर प्रोडक्ट नेम लिखा है और सेल इन 2022, 2023, 2024 ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम चाहते हैं कि जो लैपटॉप वाला सेल है ना, वो पूरे को टोटल कर लिया जाए, यानी 2022, 23 और 24 को। तो अभी समस्या ये है हमारे साथ कि यहाँ पे लैपटॉप है, पहले तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए यहाँ पर लैपटॉप है, तो ये दो जगह लैपटॉप हो गया, फिर यहाँ पर लैपटॉप है, तीन जगह लैपटॉप हुआ, फिर चार जगह लैपटॉप हुआ, फिर पांच जगह लैपटॉप हुआ। इस पूरे डेटा को कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पर इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। अब अल्ट एच पी ए करेंगे, ये पूरा जो है बॉर्डर लग जाएगा, देख सकते हैं सब में बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। अब अल्ट एच ओ आई करेंगे, ये पूरा रिसाइज भी हो जाएगा। तो ये रिसाइज भी हो गया, बॉर्डर भी लग गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये करना शुरू कर देते हैं कि यहां से यहां तक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है ना, तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे आप, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। फिर आप प्लस का निशान लगाइए, फिर तो ये तो करते रह जाएंगे, ठीक है, शाम हो जाएगी। तो लेकिन आसान तरीका बताता हूं आपको, आप एक नेम रेंज जो है बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो लैपटॉप वाले रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से सेलेक्ट किया, अब आप कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए, दूसरा लैपटॉप वाला रेंज सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से तीसरा कर लीजिए, फिर चौथा कर लीजिए सेलेक्ट। लैपटॉप वाला ही करना है, ये चीज ध्यान देनी है आपको, ठीक है। तो यहां पर भी एक बार लैपटॉप दिया गया है, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका टोटल कहां पे चाहिए, जैसे मान लीजिए यहां पे नीचे चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्शन के बाद हमें क्या करना है, सीधा चले जाना है फॉर्मूला स्टेप पर। तो यहाँ देखिए ये फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, देन फॉर्मूला स्टेप। ये आपको 2007 में भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला स्टेप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलता है नेम है। अभी आपको यहाँ पे डिफाइन अ नेम पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है, ये बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। देख सकते हैं ये बॉक्स ओपन हुआ है और यहाँ वर्कबुक लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ इस शीट पे चाहते हैं ये चीज, तो यहाँ पे शीट वन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको नेम हमने दे दिया लैपटॉप, आप चाहे तो कुछ और नाम दे सकते हैं, ठीक है। वैसे लैपटॉप ठीक है, तो ये लैपटॉप दे दिया है। अब यहां से ओके करना है आपको, तो बस ओके कर दीजिए, ये काम हो गया, ठीक है। अब काम कैसे हुआ ये आपको पता लगेगा। देखिए यहां पर इक्वल टू लगाता हूं, सम का फॉर्मूला लगाता हूं, क्योंकि सम के फॉर्मूले से ही तो हम जोड़ते हैं। और यहां पे टाइप करता हूं लैपटॉप, तो देखिए यहां पे लैपटॉप आ रहा है, बंद किया ब्रैकेट को, एंटर किया, तो यहां पे देख सकते हैं टोटल सेल आपको दिख रही है कि कितनी की सेल करी गई है, चाहे 2022 की सेल हो, 2023 की सेल हो, 2024 की सेल हो, सारी सेल्स को जोड़ करके यहां पर टोटल आ गया है, ठीक है। आप इसको मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो तरीका है कि नेम रेंज से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये नेम रेंज के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।